टेक्स टाइप. ओके फाइन, यू कैन प्रोसीड नाउ. ना इट इज ट्रू. ठीक. ओके बेटा, इन प्रीवियस क्लास आई सेंड यू द टॉपिक दिस दैट दीज एंड दोज. सो टुडे वी विल रिवाइज दिस टॉपिक. आई टोल्ड यू दैट वी यूज दिस एंड दैट फॉर सिंगुलर एंड दीज एंड दोज फॉर प्लूरल्स. दिस एंड दैट को हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं एंड दीज एंड दोज को प्लूरल के लिए. ओके, नाउ यू हैव टू फिल द ब्लैंक्स. एक पॉइंट और है जो आपको माइंड में रखना है. दिस एंड दीज हम उन चीजों के लिए यूज करते हैं जो हमारे पास होती हैं, और दैट एंड दोज हम उनके लिए यूज करते हैं जो हमसे दूर होती हैं. और दूर के लिए मैंने आपको क्या बताया, वो कौन सी चीज हमें शो करती कि ये चीज हमसे दूर है, एरो शो करता है. नाउ फिल दीज ब्लैंक्स. Try to send your answers all together. सभी answers आप अपने इकट्ठे send करना. So I will also call the students one by one. First child with the ID is weapon. Unmute yourself. The child with the ID is weapon. Child with ID AC weapon. Ma'am, your voice is cracking again. Can't hear. The child with the ID Aman. Aman. Okay. Aman Aman वाली ID से बेटा जिसने join किया. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. म्यूटेड योरसेल्फ. बेटा रीड फर्स्ट सेंटेंस. रीड सेंटेंस नंबर वन. डैश इज आशु. हाँ जी, व्हाट इज द आंसर. दिस आएगा यहाँ पे. दिस दिस आएगा. क्यों आएगा पे दिस? डू यू नो दिस क्यों आएगा? व्हाट इज द रीजन? मैम क्योंकि वो एक है. एक्सप्लेन. एक है तो एक लिए हम दैट भी कर लेते हैं. एक के लिए हम दैट भी करते हैं. नहीं यहाँ दिस क्यों हो गया? मैम नजदीक है. हाँ क्योंकि हमारे नियर है, हमारे पास है. वेरी गुड. म्यूट योरसेल्फ. सेंड करेंगे. नाउ द चाइल्ड विद द आईडी आशु. तो जी यू रिपीट द चाइल्ड द आईडी आशु. वारी जी आशुतोष तिवारी की आईडी से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू हैव टू आंसर द सेकंड सेंटेंस क्विकली. आशुतोष तिवारी अभी बेटा आपने आंसर लिखा चैट बॉक्स में, सो यू आर देयर ना. क्विकली अनम्यूट योरसेल्फ. हरी आप रीड सेंटेंस. यस मैम. हां जी बेटा रीड सेंटेंस. फॉर व्हाट इज योर नेम? What is your name? मैंने पूछा. What's your name? Ananya. She's Ananya. Okay, Ananya. Read sentence number two. Yes, on horse. Horse? There are horse. 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 Horse तो नहीं है बेटे. Horse.
horses. That's a plural word. Not a horse. Now, what is the answer? क्या है आंसर इसका? These. क्यों है इसका आंसर these? हाँ जी? Okay, these. These क्यों है इसका आंसर? These are horse. बेटा मैंने आपको पहले बोला दिस इज नॉट अ वर्ड हॉर्स वर्ड नहीं है ये हॉर्सेस है और मैंने आपसे पूछा दीज क्यों आएगा यहाँ पे शी इज सेइंग दीज आर हॉर्सेस बेटा मैम की बात सुनो मैम पूछ रहे दीज क्यों है दीज क्यों बोला आपने लिसन टू मैम व्हाट इज द रीजन कि आपने दीज फिल किया Anybody else? You mute yourself. The child with the ID बिन्नी बिन्नी. एक ही बार में unmute कर लो बेटा नहीं तो I will call any other child. Thank you, ma'am. Ananya, mute yourself now. The child with the ID बिन्नी बिन्नी जी. Okay, the child with the ID दलजीत कौर. Yes, yes, बेटे क्या आंसर है बेटा सेंटेंस सेंटेंस में क्या फिल कर सकते हो गुरसीरत और डैश आर हॉर्सेस क्या आएगा यहाँ पे क्या आएगा Your voice is not clear. Otherwise, Raman ma'am, Rajni ma'am, children are writing yes, the answers ma'am. In the chat box. Yes, ma'am. Yes. Are they are writing correct? Are their answers correct? Yes, ma'am. Otherwise, I will share the answer, then I will explain. Better to share, ma'am. First, thank you. Okay, I am going to explain. हमने fill किया. This is a shoe. हमने दिस इसलिए फिल किया क्योंकि एक तो ये सिंगुलर था और ये हमारे पास में है सेकंड में देखो एरो है पहले तो एरो मींस कि ये चीज हमसे दूर है और दूर के लिए हम या तो दैट यूज करते हैं या दोज यूज करते हैं क्योंकि हॉर्सेस मींस मोर देन वन एक से ज्यादा हॉर्सेस हैं प्लूरल है तो हम यहाँ दोज यूज करेंगे नेक्स्ट है ग्लासेस ग्लासेस में भी देखो मोर देन वन ग्लासेस हैं बट वो हमारे पास हैं तो हमने दीज फिल किया एंड लास्ट वन इज सिंगुलर है ऑरेंज है और वो हमसे दूर है सो दैट इज एन ऑरेंज अब नेक्स्ट करके दिखाओ मैम आपने टू मैम आपने शिवा टू वरी वन पर दिया था कोई बात नहीं बेटा वो आंसर्स में हुआ है ऐसा नो प्रॉब्लम चलो अब आप फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट का आंसर सेंड करो हरी आप नो आई विल कॉल द चाइल्ड आईडी विद गौरी शर्मा जी द चाइल्ड विद आईडी गौरी शर्मा जी हरी आप अनम्यूट योरसेल्फ ओके गिरीशा वॉइस नॉट कमिंग गिरीशा गिरीशा अनम्यूट योरसेल्फ गिरीशा एनी चाइल्ड विद द आईडी नेम गिरीशा बेटा अनम्यूट क्विकली नो रिस्पांस मैम ओके द चाइल्ड विद द आईडी गुरचरण कौर जी बेटा व्हाई डोंट यू आंसर व्हेन मैम कॉल्स आउट योर नेम द चाइल्ड विद द आईडी जितेश ज्योति जी
no one is interested to give the answers. It means these people don't know the answers. इनको नहीं आता ना इसीलिए अनम्यूट नहीं कर रही है. Okay, those who want to read or who want to give answer, write your name in the chat box. मैम उसी बच्चे को बुलाएंगे अब जिसने रीड करना है. Who is interested? Gursimran Kaur ma'am, she wants to read. Yeah, she is always ready. I know she knows the answer. So we will ask only those children. Anish has given, Seerath has given their names. Yes, you Param. Can call them. Chalo, Param wants to speak. Hurry up, Param, unmute yourself. Param, hurry up. Yes. That is from. What is the answer? That. हमने क्यों लगाया that बेटे? Why answer बताओ. आपको clear है हमने that क्यों fill किया? Yes. क्यों? Why? क्योंकि वो दूर था. दूर था. ओके सभी रीड करो अभी सेंटेंसेस आप. चलो 6, 7, 8 आल्सो बिकॉज नो वन इज इंटरेस्टेड टू रीड. चलो 6 नंबर. बेटा स्विच ऑन योर वीडियो. डैश आर एग्स. आंसर. Are you asking from your parents? Because your video is yes. His video is on, ma'am. I can see the child. चलो अब क्या आएगा 6 नंबर में? 6 नंबर बोलो बेटा क्या बोलो? These. These he said, ma'am. Okay, these are X. Okay, 7 number. This. Yes. 8. Those. Mokshdeep, wait those. For your turn. Those are buses. Okay. Those are buses. Mute yourself. So, beta, 5 number mein aaya, that is a frog. Arrow means, arrow indicate kar raha hai ki frog humse dur hai. सिंगुलर है इसलिए हमने फिल किया दैट. दीज आर एग्स. एग्स प्लूरल में है और हमारे पास है इसलिए हमने फिल किया दीज. नेक्स्ट डॉग सिंगुलर है और हमारे पास है इसलिए दिस इज अ डॉग. एंड बसेस जो है प्लूरल में है और हमसे दूर है इसलिए हमने फिल क्या किया दोज. आई थिंक आपको इसमें प्रॉब्लम है. That's why so many students were not coming forward. बहुत सारे बच्चे नहीं आ रहे थे. And today I also have shared one assignment in the morning. एक मैंने assignment भी आपके साथ share किया इसी topic पे. Okay? तो उसे करना है आपने. Now get ready for dictation. Hurry up. Today we will do. Now we will do dictation sentences. First one is. Do not laugh at me. Do not laugh at me. Is my voice clear now, Raman ma'am, Rajni ma'am? Yes, ma'am, you're audible. Oh. Clear. Ma'am, please repeat again. You can write in the chat box, बेटे. अभी मैंने करना ही है repeat. I will repeat 2-3 times. Okay? Don't worry. Do not laugh at me. Do not laugh at me. बेटा फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड देयर शुड बी फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. कुरशीन
पुट फुल स्टॉप बेटे एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. दैर्या बेटा फुल स्टॉप नहीं है आपके भी. प्रतीक्षा, सुखमन बंगा, आपने फुल स्टॉप नहीं डाला बेटे एंड में. डू नॉट लाफ एट मी. डू नॉट लाफ एट मी. Should I speak next sentence or anybody wants to wait? Is there anybody who wants to wait? Ma'am, many children have written already. Okay, done ma'am. But a sentence number two is children like to play with marbles. I am repeating again. Children like to play with marbles. Again, I am repeating. Children like to play with marbles. Yes, children are sending the answers. Beta, put full stop. आज किसी बच्चे ने फर्स्ट लेटर स्मॉल नहीं किया. वेरी गुड. एक बच्चे का है बस. द चाइल्ड विद द आईडी एस बेरी कंपनी. बेटा सी शुड बी कैपिटल. देयर वाज वन चाइल्ड्स ने मार्बल लिखा था मैम. ओके, आई डिडंट सी द नेम. मैम टेल मैम प्लीज रिपीट. The child One. with the IDS Berry Company. बेटा marbles word है. Okay. You have written बच्चे ने there marbles. Like की जगह light भी लिखा है मैम. Light, LIGHT. किसने लिखा रमन मैम? I can't see. Mokshdeep किस children के spelling wrong है. जुगल शर्मा द चाइल्ड विद द आईडी जुगल शर्मा. बेटा आपका भी चिल्ड्रन के स्पेलिंग रॉन्ग है. आई थिंक शी इज तनिष्का. जी मैम. यस बेटा आपने सारा कैपिटल में लिखा हुआ है. ठीक है, ये भी थोड़ा सा लर्न करो आप ना कैपिटल स्मॉल. मैं लैपटॉप में मुझे पता नहीं चलता लैपटॉप में. ओके ओके, आज सीख लेना. ओके, पूछ लेना मम्मा से. I am going to repeat again. Children like to play with marbles. बेटा आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट है. द चाइल्ड विद द आईडी प्रदीप शर्मा जी. चिल्ड्रन लाइक विद मार्बल्स आपने लिखा है. चिल्ड्रन लाइक विद मार्बल्स.
मैंने बोला है चिल्ड्रन लाइक टू प्ले विद मार्बल्स. I am going to speak sentence number 3. I have yellow bangles. I have yellow bangles. The child with the ID Shruti Thakur ji. Beta, aapke bhi children ke spelling wrong hai. बहुत कॉमन वर्ड है, आपको बहुत बार बहुत सेंटेंसेस में ये वर्ड आता है चिल्ड्रन. मैम रिपीट. येलो बैंगल्स. बैंगल्स लिखो. चाइल्ड विद आईडी मोहिंदर पाल जी. बेटे आपने भी बैंगल लिखा है. बैंगल्स. चाइल्ड विद आईडी अमनदीप. येलो के स्पेलिंग रॉन्ग थे उनके. चाइल्ड विद आईडी नवप्रीत कौर आपका भी रॉन्ग है. येलो बैंगल्स. This Tanishka spelling of bangles are wrong. Now I am going to share the answer. First, laugh at me. Second, children like to play with marble. And third one is I have yellow bangles. So this is all from my side. Beta, again I want to say I feel that you people are having problem in the concept of this, these and those. I feel this thing. So please revise your topic. Revise this topic, okay? So now over to Rani. Thank you, ma'am. Thank you. So students, be ready for Punjabi work. Rajni ma'am, your voice is also low now. I can't hear. There is echo, ma'am. Raman ma'am, ask from Raman ma'am. There is echo. Raman ma'am, is audible to you? Rajni ma'am, she is audible but echo aa rahi hai. Now is it audible? Yes ma'am, yes. Ask from Raman ma'am. Raman ma'am. Yes ma'am, I can hear you clearly. Okay, okay, thank you. So students, I am going to share the PPT. So you have to be ready with your articles, stationery articles. Okay, Punjabi notebook should be with you. Pencil, color should be with you. Okay, all things should be with you. Be ready. So students, today we have to do the topic fill in the blanks. Okay. Rajni ma'am, sorry, there is lot of echo from your side. Okay ma'am.
यस टू डिवाइसेस आर ओपन तो आप एक की साउंड ऑफ कर लीजिए मोबाइल की साउंड ऑफ है के लैपटॉप की ऑफ कर दो यू ट्राई आई डोंट नो इट वर्क्स और नॉट Yes, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. Echo again, ma'am. Audible है आप बट आपकी वॉइस इको कर रही है मैम आपके ना दोनों डिवाइसेस से साउंड आ रही है आप एक डिवाइस की साउंड ऑफ कर लें मैम मैंने लैपटॉप की बिल्कुल ऑफ कर दी है मैम गूगल मीट की आपने दोनों गूगल मीट पे साउंड ऑन रखी हुई है अपनी गूगल मीट पे हम ऑफ करते हैं ना माइक वहां पे एक जगह ऑफ करिए मैम आपकी स्क्रीन इज इट ओके रमन मैम हां जी नो इको नाउ फाइन आप अब इसकी साउंड इंक्रीज कर लीजिए जो डिवाइस आप यूज कर रहे हो मोबाइल की ओके सो स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टार्ट आवर वर्क विद द एक्टिविटी फिल इन द ब्लैंक्स ओके आज आपने फिल इन द ब्लैंक्स करना है मैम ने थ्री सीक्वेंस दिए हुए आपको यू हैव टू डू दिस वर्क in your notebooks okay in your notebooks you have to complete this work yes start your work beta I got the answer from Maninder Paul that child has done good very well done you have done your work with speed Gimpi Minhas you have shared the answer in Punjabi format beta but you have to do this work on your notebook also Everyone will write down this work on their notebook, okay? And after completing the work, you will write down in the chat box that you have done this work. So read the series. First series, tank wali hai. Tank se start ho rahi hai. Tanka dash, dadda dash, nana. Okay, second series है कत्ता कत्ता dash dash नन्ना third है dash पप्पा बब्बा dash मम्मा so you have to complete this I got the responses that you have done yes still many more responses should come very less responses I have got Complete the work. Okay, so students, let's have a look at the answers. अब आप अपने answers अपनी notebook पे check करोगे. कि आपने राइट आंसर्स लिखे थे और अगर आपके राइट हैं तो आपने अपने आप को इवैल्यूएट भी करना है 6 आउट ऑफ आपने मार्क्स देने हैं आउट ऑफ 6 में से अपने आप को मार्क्स देने हैं ओके फर्स्ट सीरीज थी टैंका डैश डैश में टैंकी के बाद कौन सा लेटर आना था छठा फिर डड्डा ऑलरेडी रिटन था फिर डड्डे के बाद कौन सा लेटर आना था डड्डा ओके सेकेंड सीरीज में था सत्ता सत्ता और उसके बाद टू ब्लैंक्स थी खत्ते के बाद कौन सा लेटर आता है दद्दा और दद्दे के बाद आता है तद्दा और उसके बाद नन्ना पहले से लिखा हुआ था ओके और नंबर थ्री पे डैश पप्पा तो आपने पप्पे से बिफोर वाला लेटर देखना है कि पप्पे से पहले कौन सा लेटर आता है पप्पे से पहले आता है पप्पा फिर बब्बा फिर बब्बे के बाद आफ्टर वाला लेटर लिखना था आपने बब्बे के बाद पब्बा आता है देन मम्मा ओके
So I have got the responses that you have got 6 out of 6. Some are writing 5 out of 5. Some have got 3 out of 3. Okay. But very less responses I have got. Some are giving marks from 10. You have to give marks from 6. क्योंकि यहाँ पे 6 blanks थी ना, तो 6 में से ही देना था. Each blank, एक blank का 1 marks है. Okay? So let's move towards the next activity. Next work is stop writing, beta. Now stop writing in the chat box. Now all of you, we will do the next activity, that is circle the right letter. ठीक, हमने circle the right letter लिखना है. Circle the right letter में number 1 पे आपने recognize करना है कि कौन सी मैम ने आपको picture दी हुई है. ठीक, कौन सी पिक्चर मैम ने आपको दी हुई है. फिर सेकंड नंबर पे भी कौन सी पिक्चर है, आपने उसको रिकॉग्नाइज करना है. और उसका जो राइट लेटर है, जिस लेटर को वो बिलोंग करती है, आपने उसका आंसर चैट बॉक्स में शेयर करना है. मैम ने आपको 3 ऑप्शन ऑलरेडी दी हुई है, आपने जो राइट ऑप्शन है वो लिखना है चैट बॉक्स में. सो पुट योर रिस्पॉन्सेज इन द चैट बॉक्स. I have got the response also. Arav, 1 ka 1, that is wrong, beta. Sugam, 1 ka 1, wrong. Sanjeev Kumar, 1 ka 1, beta, 1 ka 1 wrong hai. Aur 2nd ka 1 right hai. Bete, jo aap 1 ka 1 answer likh rahe ho, that is wrong. 1 ka 1 आंसर नहीं है, 1 का 2nd आंसर भी नहीं है, 2nd ऑप्शन भी उसका राइट आंसर नहीं है बेटा. नंबर 1 पे कौन सी पिक्चर बनी हुई है, फर्स्ट रेकोगनाइज द पिक्चर. एसी वेपन की आईडी से जिस बच्चे ने भेजा है उसका राइट आंसर है. नंबर 1 पे पिक्चर कौन सी है बेटा, धन बनिया हुआ है, मनी, मनी है ये. आपको नोट्स दिख रहे होंगे, 2000 का नोट है, 200 का है, 50 रुपीज का है. ठीक, इसको पंजाबी में क्या बोलते हैं, तन, तन. ठीक, मनी जिसको हम इंग्लिश में मनी बोलते हैं, या नोट्स बोलते हैं, कि ये 100 रुपीज का नोट है या 200 रुपीज का नोट है. ठीक, तो इसकी नंबर 1 की ऑप्शन 3rd वाली आनी थी, क्योंकि 3rd नंबर पे मैम ने तद्दा लिखा हुआ. ठीक, और नंबर 2nd पे मैम ने क्या बनाया हुआ है, कौन सी पिक्चर दी है आपको, रस्सी दी हुई है. ठीक, और रस्सी रारे लेटर से रिलेट कर रही है. तो लेट्स हैव अ लुक एट द, सॉरी, ये ऑप्शन यहाँ पे जो है मैम ने गलत ऑप्शन पे सर्कल कर दिया है, 2nd पे आना था. 2nd ऑप्शन पे ये जो राइट ऑप्शन है इसकी तद्दा आना था बेटे. ठीक है, जो तद्दा है, तद्दा तन को बिलोंग करता है, ये पिक्चर तद्दे लेटर से बिलोंग करती है, और रारा रस्सी फर्स्ट ऑप्शन थी. ठीक, नेक्स्ट है, नाउ लुक एट दिस पिक्चर. नंबर 3 और नंबर 4 वाली पिक्चर्स अब आप देखोगे, उसको रिकॉग्नाइज करोगे, और उसका जो राइट लेटर है वो आप चैट बॉक्स में लिख के भेजोगे मैम. Okay, so start. Ma'am, 2nd का कंपास है. बेटे कंपास हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, बट पंजाबी में क्या बोलते हैं, आपने वो रिकॉग्नाइज करना है. पंजाबी में कंपास को कुछ और बोलते हैं.
So I got the answers also. Some are writing very nicely, beta. बहुत अच्छी तरह से कई students लिख रहे हैं कि दोनों numbers के answer वो इकट्ठे दे रहे हैं. Expertise skill की ओर से तो answer पंजाबी letters में ही आए हैं. But उसका second option बेटा wrong है आपकी. मैम ने कग्गा तो option भी नहीं दी हुई है, आपने अपने आप से लिख लिया है. ऋषि भारद्वाज थर्ड का सेकेंड दैट इज राइट एंड फोर्थ का थर्ड दैट इज ऑल्सो राइट. गुड. मोक्षदीप आप नंबर वन डाल के सेकेंड ऑप्शन दे रहे हो बट ये नंबर थ्री था. गुरशीन नंबर थर्ड का सेकेंड एंड नंबर फोर्थ का थर्ड दैट इज राइट. सुमी अरोड़ा डिंपी मिन्हास रोजी सैनी जुगल कुमार मोक्षदीप श्रुति प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गौरी शर्मा रितु कमलजीत कौर गुरसिमरन ऑल आर गिविंग आंसर. वेरी नाइस बेटा यू ऑल आर पार्टिसिपेटिंग. सो लेट्स शेयर द आंसर विद यू. लेट मी शेयर इट. सो लेट हैव अ लुक एट द आंसर्स बेटा. थर्ड नंबर पे मैम ने आपको पिक्चर कौन सी दी थी? मटर. तो मटर कौन से लेटर को बिलोंग करता है? मम्मा लेटर को. और जो मम्मा होता है ऊपर से वो ओपन होता है, वो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है मैम ने. ओके तो सेकंड नंबर की ऑप्शन को सर्कल करना है हमने. नंबर फोर ये यंत्र है, ठीक कंपस है, इसको इंग्लिश में कंपस ही बोलते हैं, जो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है कि हम कौन सी डायरेक्शन पे हमारे माउथ वाली साइड पे कौन सी, फेस वाली साइड पे कौन सी डायरेक्शन है, बैक साइड पे कौन सी है, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे, ये डायरेक्शन को इंडिकेट करती है कंपस. ठीक तो कंपस को हम पंजाबी में यंत्र बोलते हैं. ठीक यंत्र बोलते हैं. और यंत्र कहाँ कौन से लेटर को बिलोंग करता है? यही है लेटर को, वो नंबर थर्ड पे मैम ने उसकी ऑप्शन लिखी हुई है. सो स्टूडेंट्स नाउ इट्स अ टाइम for fun. So students you have to draw two pictures, one picture of letter jajja and one picture of letter yaya. ab aap sabne one picture jajje ki banani hai aur ek hi picture aapne yaya ki banani hai. ek picture jajje ki aur ek picture yaya ki. So start your work. मैम योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल. बेटा मैम ने आपको वर्क दिया ना, वो करो आप, आपने तो ड्रॉ करना. यस बेटा स्क्रीन मैम ने खुद ही क्लोज कर दी है. ठीक क्योंकि आपने जज्जा और यही की पिक्चर बनानी है. स्टार्ट डूइंग. राघव आर यू ड्रॉइंग? आप बना रहे हो? शो मी योर थंब. ओके डू कलरिंग ऑल्सो बिकॉज मैम ने आपको जो हेडिंग दी थी उसमें लिखा था ना ड्रॉ एंड कलर. ड्रॉ भी करना है और कलर भी करना है. यशपाल खन्ना डन. ओके नाउ मोक्षदीप. मोक्षदीप अनम्यूट योर सेल्फ बेटा. आप मुझे ये बताओ जज्जे लेटर की कौन सी पिक्चर्स हैं? जिधर जूते जिधर जामुन. और जज्जा जग, जज्जा जहाज,
ठीक, अब आप कौन सी पिक्चर बना रहे हो? ओके ओके, म्यूट योरसेल्फ नाउ। प्रियंबदा, अनम्यूट योरसेल्फ। पूजा लूथर भी है। प्रियंबदा, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, अनम्यूट। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आप ये की पिक्चर बना रहे हो? नो मैम, मैं तो जीजे की बना रही हूँ। ओके, ये की पिक्चर कौन सी बनाओगे आप? ये की, यैया यंतर। मैम ने यैया यंतर बनाना सिखाया था ना, यंतर मतलब कंपस, जिसकी पिक्चर मैम ने आपको अभी दी भी थी ना, सर्कल द राइट लेटर में। ठीक, ओके मैम। आपने प्रैक्टिस की थी? नो मैम। ओके, यंतर बनाना आता है आपको? मैं प्रैक्टिस करूंगी। ओके, सो म्यूट योरसेल्फ बेटा, म्यूट। सो एवरीवन, जिस बच्चे को यंत्र नहीं बनाना आता है, नो प्रॉब्लम, वो अपनी नोटबुक पे, क्योंकि ये प्रीवियस वर्क था ना, आपको कल करवाया था ना ये यैया, तो आपने अब क्या करना है, अपनी नोटबुक से पीछे वाले पेजेस से देख के बना लेनी है आज पिक्चर, क्योंकि हमने ये प्रैक्टिस करनी है, फिर नेक्स्ट टाइम आपने बिना देखे पिक्चर ड्रॉ करनी है। ओके, आज मैम आपको ये प्रिविलेज देने लगे कि आप पीछे से बैक पेजेस से पिक्चर देख सकते हो और वहां से देख के आप बना सकते हो। सो रितु शर्मा के नेम पे जिनकी आईडी है बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। रितु शर्मा के नेम से जिसकी आईडी है, बेटा। यस मैम। व्हाट्स योर नेम? नमिश। ओके, अब आपने आंसर देना है जैसे मैम आपसे पूछेंगे। ओके, तुसी केडी क्लास च पढ़ते हो? पहली क्लास। बेटे आपने फुल सेंटेंस में आंसर देना, जब भी मैम आपसे कुछ पूछते हैं आपने जब भी आंसर देना, उनको वर्ड्स में नहीं देना है, आपने फुल सेंटेंस में देना है। मैं पहली जमात विच पढ़ा हन। हन नहीं, हाँ। ओके, मैं पहली जमात विच पढ़ा हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। सोनिया, सोनिया के नाम पे जिनकी आईडी है, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। बेटा आपकी वॉइस क्रैक कर रही है, आप दोबारा से बोलो। मेरा नाम दिनिशा ओरिया। वेरी गुड, वेरी गुड। तुसी केड़ी क्लास दे विद्यार्थी हो? बेटा इत्थे विद्यार्थी दा मतलब स्टूडेंट, तुसी सारे स्टूडेंट्स हो, तुसी सारे पढ़ते हो, ठीक। ते तानू असी की बोलते हैं, इंग्लिश असी स्टूडेंट बोलते हाँ, ते पंजाबी च असी विद्यार्थी बोलते हाँ, ठीक। तुसी केड़ी जमात दे विद्यार्थी हो जनीशा? मैं पहली जमात दी विद्यार्थन हाँ। ओके, सो म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ। गुरदीप कौर के नाम पे जिसकी आईडी है जी, अनम्यूट करो बेटा, अनम्यूट। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। तुहाडा की नाम है? मेरा नाम गुरवी सिंह है। तुहाडे पिता जी का की नाम है? मेरे पिताजी का नाम है सरदार आनंददीप सिंह।
वेरी गुड। आपने जब भी आंसर देना मेरे पिताजी का नाम है नहीं बोलना, पहले है बाद में बोलना है। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान, तुसी श्रीमान भी लगाना नाल, ठीक। जिदा असि इंग्लिश च मिस्टर लगाते हैं ना, ऐसी असि पंजाबी दे विच श्रीमान भी लगाना। ओके वेरी गुड। ओके मैम। गुड बेटा। यशपाल खन्ना, यशपाल खन्ना के नाम पे जिसकी आईडी अनम्यूट करो बेटा। यस, तुहाडा की नाम है, तुहाडा की नाम है, बेटा गिव द आंसर, गिव योर रिस्पॉन्स, तुहाडा की नाम है। बेटे वॉइस इज नॉट क्लियर, स्पीक अगेन। ओके, तुहाडे माता जी का की नाम है, तुहाडी माता जी का नाम पूजा चोपड़ा। ओके बेटा, जब भी आपने आंसर देना है ना, आपने मम्मा के नेम के साथ, माता जी के नेम के साथ श्रीमती बोलना है। ओके, यू आर काव्या ना? ओके, मेरी मेरी माता जी का नाम श्रीमती पूजा है, ठीक। इस वे से आपने आंसर देना है। सो डिम्पी मिनहास के नाम पे जिनकी आईडी है, अनम्यूट करो बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, तुहाडा की नाम है, बोलो बेटा। मेरा नाम, बोलो बेटा। मेरा नाम रमन मैम, माय वॉइस इज नॉट ऑडिबल, इट्स वेरी क्लियरली ऑडिबल मैम, नो प्रॉब्लम इज देयर। सॉरी बेटा, पार्डन, स्पीक अगेन, तुहाडा की नाम है। मेरा नाम हरलीन मिनहास है। ओके हरलीन मिनहास, तुसी केड़े स्कूल च पढ़ते हो? मैं स्वामी संदास पब्लिक स्कूल च पढ़ती हां। वेरी गुड। तुहाडे पिता जी की काम करते हैं? बेटे जैसे आप इंग्लिश में मैम बोलते हैं ना, व्हाट इज योर फादर, कि आपके फादर क्या काम करते हैं। आपके फादर बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, आपके फादर सर्विसमैन भी हो सकते हैं, आपके फादर टीचर भी हो सकते हैं। ओके, मेरे पिताजी नौकरी करते हैं। अज मैम ने तुहानू एक नवा क्वेश्चन पुट किया है कि तुहाडे फादर की काम करते हैं, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर देने तो पहला तुहानू पता होना चाहिए है कि तुहाडे फादर की करते हैं। किसी के फादर टीचर भी हो सकते हैं, किसी के फादर डॉक्टर भी हो सकते हैं, किसी के फादर जॉब भी करते हो सकते हैं, वो सर्विसमैन भी हो सकते हैं, वो बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, ठीक। तुसी उस दे अकॉर्डिंग, उस प्रोफेशन दे अकॉर्डिंग तुसी आंसर देना है। ओके, सो जेड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन मैम तुहानू पूछन लगे हन, वो तुसी क्वेश्चन ऑलरेडी अपनी यूकेजी प्रीवियस क्लास दे विच कीता होया है, ठीक। मैम हुन किसी भी बच्चे नू अनम्यूट करके वो क्वेश्चन पुट करनगे। ओके, गुर सिमरन कौर, अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, तुहाडा की नाम है? मैम मेरा नाम है गुरसिमरन कौर। ओके, तुसी केड़े क्लास के विद्यार्थी हो? मैम मैं स्वामी सांदा पब्लिक स्कूल च। मैं स्वामी संदास विद्यार्थी हाँ। तुसी एदा आंसर देना, दोबारा बोलो। मैं स्वामी संदास पब्लिक स्कूल च पढ़दी हां। ओके बेटा, तुहाडे स्कूल दे प्रिंसिपल दा की नाम है? आप सबने ये किया हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ योर प्रिंसिपल, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल?
मेरे स्कूल दे प्रिंसिपल दा नाम श्रीमती मेरे स्कूल दे प्रिंसिपल दा नाम श्रीमती अंजू मैम मेहता है श्रीमती अंजू मेहता है सो स्टूडेंट्स वी हैव डन कम्युनिकेशन टुडे एंड आई थिंक ऑल हैव डन द पिक्चर वर्क आल्सो सो दैट्स इट फॉर टुडेज session. Have a good day, beta. Yes, ma'am.